फिल्म संगीत का कार्यक्रम फोन इन फरमाइश, प्रस्तुत करता है थानेन्द्र साहू। पूरी हुई प्रतीक्षा, खत्म हुआ इंतजार, क्योंकि आज है रविवार। अब वक्त है गुनगुनाने का, कुछ सुनने का, कुछ सुनाने का। श्रोताओं, फोन इन फरमाइश में आज आपसे बातें करने आया हूं मैं, आपका रेडियो दोस्त थानेन्द्र। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। ये है आज का पहला फोन कॉल। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्ते थानेन्द्र भैया। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप? मैं नाथघाट केसला से मोतीलाल साहू भैया। मोतीलाल साहू जी का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करते हैं। धन्यवाद भैया। क्या करते हैं मोतीलाल जी? मैं भैया बाजार करता हूँ। तो बाजार में आप क्या क्या बेचते हैं भैया? मिर्ची, धनिया, अदरक। जी जी और अपने गाँव से कितनी दूर दूर तक के जाते हैं आप बाजार करने? 6 किलोमीटर भैया। जी, और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मेरे भी 8वीं तक हुई है पढ़ाई। और 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद अब अपने रोजगार से जुड़ गए हैं? जी हाँ भैया। जब आप बाजार में होते हैं तो हमारे कार्यक्रमों को कैसे सुन पाते हैं? लगभग भैया 3 से 6 के बीच में नहीं सुन पाता हूँ। क्या है, उस समय ग्राहकों की भीड़ रहती है, तो उस समय हमने कहा मोबाइल तो जरूर रहता है, लेकिन उसका समय नहीं सुनाई नहीं देता भीड़ में। जी, और मोतीलाल जी, जब आपको काम से फुर्सत मिल जाती है तो आप क्या करते हैं? ऐसे भी अब पहले तो अपना शादी नहीं हुआ था, उस समय क्रिकेट खेलता था, अब कहीं कहीं घूमने भी चला जाता हूँ। तो इस बार कहाँ जाने का इरादा है आपका? अभी तो ऐसे नहीं है, अभी अपने नया साल में ही जाता हूँ, और उससे पहले सावन में अपना जगन्नाथपुरी से घूम के आ गया भैया। जी मोतीलाल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बताइए, आज इस कार्यक्रम में हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं? सरगम फिल्म का भी है, राम जी की निकली सवारी, ये गीत सुना दीजिएगा। लीजिए, सुनिए आपकी पसंद पर फिल्म सरगम का ये गीत। सर पे मुकुट सजे मुख पे गले में पुष्प माला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवार, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी है न्यारी। सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम
राम जी की लीला है न्यारी न्यारी हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ थानेन्द्र सर नमस्कार। नमस्कार, ये मीठी सी आवाज कहाँ से आ रही है? जी सर मैं मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ गर्रा पार बांधा बाजार। मानवेंद्र साहू जी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मानवेंद्र जी आप तो हमारे काफी पुराने और नियमित श्रोता हैं। जी हाँ सर बिल्कुल, मैं तो बहुत पुराना श्रोता हूँ सर, बहुत दिनों से आपका आकाशवाणी रायपुर का कार्यक्रम सुनते आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है सर जब हम कार्यक्रम सुनते हैं जी। और आप लोगों से जब बात होती है तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। और वैसे कितने सालों से सुन रहे हैं आप हमारे कार्यक्रमों को? मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ सर जी, क्या है मेरे पिताजी भी बचपन से सुन रहे हैं जी, और उसी का इच्छा हुई कि उसके साथ साथ हम भी सुनते आ रहे हैं जी। और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार में रेडियो का प्रचलन अभी भी जारी है सर जी, तो बिल्कुल वैसे जैसे अब छोटे छोटे से ना पढ़ाई लिखाई करते थे बचपन में से हम सुनते आ रहे हैं, तो आज भी वो अनवरत जारी है सर। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में माता पिता है, भाई है और दादी है सर जी। मानवेंद्र जी इन दिनों साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा हम मना रहे हैं। हाँ हाँ, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ ये तो बहुत अच्छी बात कही सर आपने, साइबर क्राइम अक्सर हमने समाचारों में खबरों में मोबाइल में हमने सुनते को मिलता ही है कि लोगों को फ्रॉड के तरह के मैसेज आते हैं, फोन आते हैं और वो ठगी का शिकार हो जाते हैं ना, तो हमें इनसे बचना चाहिए सर, लोगों को जागरूकता लानी चाहिए और लोगों को जागरूक उठना भी चाहिए और जैसे जो नहीं पता रहते हैं ना उनको इस बारे में बतलाना भी चाहिए सर जी। और जो अनजान जो जैसे फोन आते हैं या मैसेज आते हैं जिसको हमें कोई संकोच मिलती है तो हमें उसको जवाब नहीं देना चाहिए सर, फोन और कॉल अटेंड नहीं करना चाहिए, और अगर कोई हमें कुछ संदिग्ध नजर आता है तो तत्काल हम साइबर क्राइम या पुलिस को इसको बारे में सूचित किया जाना चाहिए सर। बिल्कुल सही बात कही आपने मानवेंद्र जी, और आपकी इन बातों को सुन के हमारे श्रोता भी जागरूक होंगे। जी बिल्कुल। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बताइए आज इस कार्यक्रम में आपकी पसंद का गीत कौन सा है? फिल्म जीने की राह का एक गीत सुना देना सर, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में है और गीत के बोल है आ मेरे हम जो ले आ खेले आँख में चौले आ गलियों में चौबारों में बागों में बहारों में हो Yeah.
फोन इन फरमाइश। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मैं राधेश्याम पांडे, ग्राम पुट्टी कला, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ से। क्या करते हैं राधेश्याम पांडे जी? आवाज तो अस्टिमा सर जी इसी हवन पूजा में बैठा हूँ जी। और आज पूरे दिन में पूरा व्यस्त रहूंगा मैं पूजा पाठ में। अच्छा, और पूजा पाठ करने के बीच में आप फोन करने के लिए आपने टाइम निकाल लिया? बिल्कुल, ये आकाशवाणी से आपका ये लगाव देख के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और कितने सालों से सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम? वैसे तो सर जी मैं 1985 सुन रहा था जी, और बीच में किसी कारणवश बंद कर दिया जी जी, तो 2021-22 से फिर शुरू कर दिया जी। तो राधेश्याम जी, आजकल आपके गांव की तरफ मौसम कैसा है? मौसम तो सर जी मौसम थोड़ा धूप निकला हुआ है, कभी कभी पानी भी गिर जाते हैं जी। हाँ, पर जैसे परसों हवा साथ के पानी का साथ हवा भी चल रहे थे और आज धूप निकला है। तो इस खुशनुमा मौसम में हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं? अब फिल्म का नाम है राजा और गीत के बोल है, चोट मुझे लगे तो दर्द मुझे होता है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म राजा का ये गीत। हेलो, फोन इन फरमाइश। फोन इन फरमाइश। ये मीठी सी आवाज कहाँ से आ रही है? मोहला कुर्सी पार से विष्णु राम यादव जी का। विष्णु राम यादव जी, आप तो हमारे पुराने और नियमित श्रोता हैं। जी जी जी, बताइए क्या करते हैं आप? मैं खेती किसानी करता हूँ सर। तो अभी आपने अपने खेतों में क्या लगाया है?
धान है सर, अभी तो कटाई करने वाला है कुछ दिन बाद, पानी का मौसम भी मना दिया है इस कारण से थोड़ा से। जी, कैसी है इस बार आपकी धान की फसल? थोड़ा बहुत ठीक है, कहीं तो बीमारी भी लग रहा है। बीमारी जब लगती है तो इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? दवाई डालते हैं सर, हेलो किसान वाणी में फोन लगा कर हम लोग। जी, और खेती किसानी का काम करते करते आप हमारे कार्यक्रमों को भी नियमित रूप से सुनते हैं? जी जी। कौन कौन से कार्यक्रम हमारे अच्छे लगते हैं आपको? युवानी है, घर आंगन है, फोन फरमाइश है, आप मन के गीत है, आपके पत्र है, हेलो मितान है, फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत, फोन फरमाइश, ये सब अच्छा लगता है सर। जी, और आज के इस कार्यक्रम में कितने दिनों बाद आपका फोन लगा है? अभी तो 5-6 महीने हो गए सर। आज हम आपको कौन सा गीत सुनवा दें? फिल्म दिलवाले का है सर, कितना हसीन चेहरा वाला गाना सुनना है सर। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म दिलवाले का ये गीत। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँख, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँख, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कितनी चेहरा, कितनी प्यारी फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप? जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप, शांति नगर भाटा दास, मिलव कुल दीपदास, मिलव कुल दीपदास। मिलव दास जी का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने अपना परिचय दिया है। मैं हमेशा देता हूँ सर ऐसा। बिल्कुल, आपके परिचय देने का अंदाज अलग है। जी सर। क्या करते हैं मिलव दास जी? मेरा किराना की दुकान है सर। और किराने की दुकान में आप बैठे बैठे आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रमों को भी सुनते हैं? जी जी जी। हमारे कौन कौन से कार्यक्रम आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं?
सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं सर, कौन सा कार्यक्रम अच्छे नहीं है, सभी कार्यक्रम अच्छा है। मैं तो बहुत पुराना श्रोता हूँ जी, 86 से जुड़ा हूँ आकाशवाणी रायपुर में। आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, तो जी, जी, जी। उस समय के कार्यक्रम और आज के कार्यक्रम में आप क्या बदलाव देखते हैं? नहीं ऐसे अब ठीक तो है सर, जैसा जैसा मतलब समय है वैसा वैसा मतलब चल रहा है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से ठीक ही है जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बताइए आज क्या फरमाइश है आपकी? हाँ यही की सुना दीजिए ना सर। ओ बाबुल प्यारे ओ रोए पायल की चमचम, ओ नाचे गुनगुन की सरगम। ओ बाबुल प्यारे शिष के सासों की सरगम, और इस दिन तुझे पुकारे मन फरमाइश। हेलो सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं नितेश साहू तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सर बात कर रहा हूँ। नितेश कुमार साहू जी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। क्या करते हैं नितेश जी?
सर मैं शिक्षक हूँ और शिक्षण कार्य करता हूँ सर। जी, और आपका ये गांव नादिया कहाँ पर पड़ता है? सर नादिया जो है ये डोंगरगांव तहसील है, वहाँ से 8 किलोमीटर पूर्व की दिशा में पड़ता है सर। जी, और इस गांव की कोई खासियत है? जी सर, हमारे यहाँ कबीर जो धर्म है, कबीर पंथ, जी, को पूरा गांव फॉलो करता है जी, और उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा गांव चलता है सर। और एक प्रमुख बात हमारे गांव की ये है सर कि यहाँ पे जीव हत्या नहीं होती और सभी एकदम प्योर वेजिटेरियन है और यहाँ पर कोई भी जीव हत्या नहीं होती सर। ये बहुत प्रमुख अच्छी बात कही आपने। और बताइए आपके क्या क्या शौक है? सर वैसे तो टीचिंग करना ही मेरा सबसे बड़ा शौक रहा है सर बचपन से। जी, मैं बचपन से ही टीचिंग करते आ रहा हूँ और अभी मेरी पोस्टिंग जो है वो रूपाकाठी एक गांव है, मेरे गांव से ही 5 किलोमीटर समथिंग दूर है, वहां पर पोस्टिंग है सर, वही मैं शिक्षण कार्य करता हूँ। और आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मेरी शिक्षा जो है एमए इंग्लिश कम्प्लीट है सर, और स्नातक भी मेरा इंग्लिश में ही है जी, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश। नितेश जी बताइए, आप आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रमों को कितने सालों से सुन रहे हैं? सर मैं जब 6वीं में था 2006 में, तब से मैं सुन रहा हूँ सर कंटिन्यू सर। जी नितेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बताइए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं? सर अंदाज फिल्म है अक्षय कुमार की, तो उसमें एक सॉन्ग है आज कहना जरूरी है, वो सुनना चाहूंगा सर। तो ये गीत आप जरा गुनगुना के सुनाएंगे? आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ।
तुमसे प्यार हुआ है कि तुमसे प्यार हुआ है कि तुमसे प्यार हुआ है कि तुमसे प्यार हुआ है हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर फोन इन फरमाइश सर, सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। जी सर मैं वीरेंद्र गंधर्व बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से। वीरेंद्र गंधर्व जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद सर। क्या करते हैं वीरेंद्र जी? जी सर मैं एक दृष्टि बाधित हूँ और मैं शिक्षक हूँ सर अभिलाषा विद्यालय में, ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता हूँ कक्षा 1 से 5 तक की। आप सामान्य बच्चों को पढ़ाते हैं कि दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ाते हैं? जी दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ाता हूँ। जी जी, तो आपने इसके लिए विशेष शिक्षा ली है कहीं से? हाँ जी सर मैंने विशेष शिक्षा ली सर, अने रायपुर से मैंने पढ़ाई की, फिर जबलपुर से पढ़ाई की, फिर इंदौर में टेलीफोन एक्टिंग कोर्स किया, स्टेनो का कोर्स किया। जी कितने सालों से आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? सर मुझे 25 साल हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए। जी काफी अनुभव है आपको। हाँ जी सर ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाता हूँ। जी जी जी, अध्यापन के साथ साथ आपको हमारे कार्यक्रमों को सुनने के लिए समय कब कब मिलता है? जी सर समय तो मुझे बहुत मिल जाता है सर, क्योंकि सुबह से सुनता हूँ वंदना कार्यक्रम से जी। उसके बाद फिर स्कूल से आने के बाद में शाम को सुनता हूँ युवाणी कार्यक्रम, तो मेरे पास समय मिल ही जाता है रेडियो सुनने के लिए। तो हमारे कार्यक्रमों को सुनकर आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव महसूस करते हैं? जी सर बहुत बदलाव आया सर, पहली बात तो रेडियो के माध्यम से मुझे सामान्य ज्ञान की जानकारियां मिल जाती हैं और मुझे बोलने की भी आदत बनती है, क्योंकि अच्छे वक्ता बनने का काम जो है आपका रेडियो करता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वीरेंद्र जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बताइए आज इस कार्यक्रम में हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं? जी सर मुझे सुनना है सर जय संतोषी माँ का एक गाना है मन्ना डी की आवाज में, मत्रो मत्रो आज राधिके सुन ले बात हमारी, जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत। मत्रो 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 आज राधिके सुन ले बात हमारी, तू सुन ले बात हमारी, जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी, वो नहीं हिंद की नारी। मत्रो 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 की नारी की आंखें सब आंखों से न्यारी, सब आंखों से न्यारी, उसके हर आंसू में झलकती प्यार की एक फुलवारी, प्यार की एक फुलवारी, आशा की जोर से बांध ले बेटी जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी, वो नहीं हिंद की नारी। मत रो मत रो मत रो
अपने मन में दिया जला के कर ले उजाला गोरी, कर ले उजाला गोरी। दिल के ऊपर पत्थर रख ले, रोना है कमजोरी, रोना है कमजोरी। चुपके चुपके दुख सहने की तू कर ले तैयारी, जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी, वो नहीं हिंद की नारी। मत रो मत रो मत रो। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो, फोन इन फरमाइश। फोन इन फरमाइश में ये मीठी सी आवाज कहाँ से आ रही है? मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन मास्टर मोहन टेलर बोल रहा हूँ सर जी। मोहनलाल देवांगन जी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है सर जी। बताइए मोहनलाल जी, क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया है सर। इन दिनों तो ऐसा है कि हम लोग टेलर मास्टर हैं और पूरा लेडी एंड जेंट्स काम के काफी कुम्हारी छाई हुई है, पूरा अपन तन मन से सब भिड़े हुए हैं जी। हाँ, और काम से जब आपको फुर्सत मिलती है तो क्या करना अच्छा लगता है? सबसे पहले तो हम तो रेडियो से तो काम करते करते सुनते रहते हैं लगातार जी। और उसके अलावा अपन जो फरमाइश जो भेजते हैं, चाहे ईमेल हो या पत्र में हो या विशेष, मेरा तो जो लगाव है जो सर होनी फरमाइश में, ये जो ज्यादा मेरा लगाव है सर जी, क्योंकि ये जो ये रेडियो ने मुझे पूरा भारत में पूरे पहचान दी है सर जी, ये रेडियो के माध्यम से, मुझे फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से। और लोग मिलने भी आते हैं, पत्र भी लिखते हैं, और इतना प्यारा प्यारा पत्र है सर जी, इतना अच्छा अच्छा राइटिंग आता है, मैं क्या बताऊं, मैं संजो के रखा हूं मैं सर जी एकदम जी। मोहन जी, कितने सालों से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम? मेरा जहाँ से शुरुआती दौर पे 1972 से शुरुआत हुआ है सर जी, जो उन दिनों में चौपाल कार्यक्रम से शुरुआत हुआ है जी। उसके बाद रायपुर आ गए 74-75 में, फिर सुनते रहा पूरा हर चीज, हर एक विनाशा गीत वाला, विविध भारती वगैरह, हर चीज, हर एक कार्यक्रम में, हर एक स्टेशन में सर। उसके बाद फोन इन कार्यक्रम में लगा हुआ, जुड़ा हुआ सब। ऐसा 1983 से मैंने पत्र भेजना चालू किया सर जी। ये बहुत अच्छी बात है। बताइए आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? चरणों की सुगंध है सर जी फिल्म का नाम, और उसका बोल है सर जी, एक राम ने रावण को मारा और एक रावण को मैं मारूंगा, इस तरह से है सर जी इसका गीत। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म चरणों की सौगंध का ये गीत। एक रावण को राम ने मारा, एक रावण को मैं मारूंगा, एक रावण को राम ने मारा, एक रावण को मैं मारूंगा। तेरी लंका आज उजाड़ूंगा, जय जय श्री राम पुकारूंगा, तेरी लंका आज उजाड़ूंगा, जय जय श्री राम पुकारूंगा। जय जय श्री राम पुकारूंगा।
इस नीले आकाश तले हर कोई एक बार जले, लेकिन रावण हर साल जले। अब के बरस धरती के सर से, अब के बरस धरती के सर से मैं ये बोझ उतारूंगा। हो तेरी लंका आज उजाड़ूंगा, जय जय श्री राम पुकारूंगा। तेरी लंका आज उजाड़ूंगा, जय जय श्री राम पुकारूंगा। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन रोहतक हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। महेंद्र शाह जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। शुक्रिया इनायत, मेहरबानी, आपने बख्शी हमें जिंदगानी। जी बहुत दूर से फोन किया है आपने। हाँ जी, करता ही रहता हूँ, महीने दो में एक फोन करता ही रहता हूँ। क्या करते हैं आप? अपना मैं रिटायर हो लिया सर, हेल्थ डिपार्टमेंट में था, 2011 में रिटायर हुआ था। और बताइए क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में इन दिनों? बहुत ही बढ़िया, माता रानी की कृपा है, पेंशन आ रही है जी, बैठे हैं घर। और फुर्सत के पलों में क्या करना अच्छा लगता है आपको? फोनिंग करना, गाने सुनना पुराने। जी बहुत पुराने गाने सुनता हूँ सर पास। हाँ जी, हमारे कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं? मैं बहुत यही सुनता हूँ जी, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे जी। आप फोन इन फरमाइश आप सुनते हैं। हाँ, तो महेंद्र शाह जी आज इस कार्यक्रम में आपका फोन लगा है, तो बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं? आज मुझे चित्रलेखा फिल्म का गाना सुनवा दो, मोहम्मद रफी जी का गाया हुआ है, जिसमें प्रदीप कुमार जी, मीना कुमारी जी और अशोक कुमार जी थे। चित्र अपना रोशन जी का संगीत है, मन रे तू कहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म चित्रलेखा का ये गीत। हेलो, फोन इन फरमाइश। सर नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं ग्राम चार वहाँ था, पिथौरा जिला महासमुंद से लेख राम अहिर बोल रहा हूँ सर। लेख राम जी क्या करते हैं आप? लगा है
जी बस ऐसा कृषि कार्य है सर। क्या लगाया है इन दिनों आपने अपने खेतों में? धान है और उड़द वगैरह था, वो तो अभी हो गया है कटाई उसका, उड़द वगैरह का। धान की फसल कैसी है इस बार? जी बहुत अच्छा है सर, इस साल तो अपने क्षेत्र में काफी बढ़िया बरसात हुई है, पानी जी अच्छा तरीका का गिरा है इस साल जी, तो बहुत बढ़िया है। शायद आपसे इस कार्यक्रम में पहली बार बातचीत हो रही है। जी 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 पहली बार बातचीत हो रही है सर। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत बढ़िया सर, और काफी सारे प्रोग्राम सुनता हूँ, बीच में नहीं सुन रहा था मैं किस कारणवश जी। जब मैं छोटा उम्र था तब से पिताजी सुन रहे थे, दादाजी सुन रहे थे, तो मैं सुन रहा था, पहले लिख भी रहा था, पत्र वगैरह जाता था जी। और कुछ दिन हो गया है, उसके बाद मैं फिर बहुत मुश्किल से रेडियो लेके आया हूँ और सुनता हूँ। तो हमारे कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं? जी युवाणी, चौपाल, हेलो किसानवाड़ी, बिंदिया, आप मन के गीत, फोन इन फरमाइश, सभी कार्यक्रम सुनता हूँ सर। काफी पुराना श्रोता हूँ मैं, पत्र भी लिखता था जी जी। और कुछ दिन हो रहा है चौपाल, किसानवाड़ी, हेलो किसानवाड़ी, सब मैं लगा रहा हूँ जब मेरे पास रेडियो आ गया तो जी। और रेडियो एक ऐसा पद्धति है सर, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें बच्चे को भी शिक्षा मिलता है दूसरे चीज से, जैसे कि अभी आप समझ लो मोबाइल वगैरह हो गया, बाकी और हो गया है ना, इसमें क्या है कि उतना संस्कार नहीं मिल पाता, तो मैं अपने बच्चों को सुनाता हूँ सर जी, कार ले सकते हैं, उनका कैरेक्टर बेहतर बना सकते हैं, उसमें सोच उसकी बदल सकते हैं आप बच्चों को। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और किस तरह के गाने सुनना पसंद है आपको? बस पुराने गाने सुनता हूँ सर, किशोर कुमार या लता जी के आवाज में। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं? जी फिल्म हकीकत का जी, और लता जी ने गाया है, कहीं वो तुम तो नहीं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म हकीकत का ये गीत। जरा सी आहट